अम्मार ने मुझे और ये दानिश दोनों ने मुझे इस बात पर अभी आते हुए रास्ते में कन्विंस किया है। इस बात पर मैं इस नेस्ले के साथ मेरे को दुश्मनी थोड़ी है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा किसी के साथ भी नहीं, ना नेशन के साथ ज्यादा हो। मैं एक बात पर अभी भी कन्विंस हूं, आप यकीन करेंगे बैठे कर दूसरा किसी जगह, अगर आपकी खुदा ने करे फौज के ऊपर बात आ जाए ना और इनको ये फैसला करना पड़ जाए कि फौज या नेस्ले ये विदाउट विस्टेज ऑफ सिंगल सेकंड फैसला करे तो फौज राइट, हम पाकिस्तान के जो भी है वो पानी बनाते हैं ना, बनाना बंद कर देंगे तो बंदे उन्होंने पानी कभी भी पीना ही है, वो बॉटल से नहीं किसी और जगह से पी के क्या खाएगा। इशू ये नहीं है, इशू मेरा दूसरा है। मैं ये कहता हूँ कि आप ये बताएं कि आपने इसके ऊपर लिखा हुआ है 12 मिलेगा, मुझे आप चेक करा दें 12। अगर ये 15 भी होगा ना मैं मान जाऊंगा आपके पास, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर ये 12 के बजाय 32 हो तो फिर आप चीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप लिख दें सोडियम लेस देन 50 राइट, अब वो 50 तक 40 हो 44 हो 32 हो 12 हो 17 हो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है इसके ऊपर। आप मैग्नीशियम 100 है, आप लिखते लेस देन 100, आपने अपने टेस्ट बनाने के लिए टेस्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो सीक्रेट रखनी है जो लिखनी है, हम इसमें भी आपके साथ कोई इंटरफेयर नहीं करते कि आपने उसको कितनी रखनी है। अब मेरी 17.5 रुपए की फीस के साथ एक बुके तो बनता है ना, कि आपने लिखा है सर बुके तो अभी पकड़े ये लीजिए सारे आर्टिफिशियल काम और दाल से करना सारे कॉस्मेटिक्स था दाल से करना रेडी। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड, थैंक यू सर। आप जो ये जर्नी है
अगर आप देखें सेविंग करते करते वेयर वी वांट टू रीच इज देयर शुड नॉट बी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर गोइंग आउट फ्रॉम द सेंटर. अब ये जा रहा है इरिगेशन के लिए, चाहे जा रहा है यूजफुल पर्पस के लिए जा रहा है, तो वी विल नॉट बी सेविंग एनी. नेक्स्ट हम आपको बताने वाले ना उसमें हम आपको पानी निकालने नहीं देंगे, और ऊपर कर देते इसमें. डॉक्टर साहब सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आप अभी बात कर रहे थे सी आई पी के लिए, वो जो आपने बताया 9 feet height and 6 feet diameter with conical addition of aluminium sulfate. Yes. Any kind of fat quality. So is this only for CIP water or it can be used for any kind of water? That's what water used in laundry, water used in mosque. Brilliant. If additionally you you can use little bit amount of calcium hydroxide. Other than separate water, मैं सीवरेज की बात नहीं कर रहा. Other than that, बाकी जितना भी water है 100% कर सकते हैं. लेकिन एक डॉक्टर साहब एक ना एक perception है पाकिस्तान में, whether you agree with me or not, कि वेस्ट वाटर को ना वेस्ट वाटर और पता नहीं क्या क्या उसके बारे में सोच कर जितना मर्जी ट्रीट करके उसको आप 100% इक्वल टू रॉ वाटर. अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे परसेप्शन हो, अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे बिल्कुल ब्लैक वाटर दे दें, ठीक है ना, सीवेज वाटर, देन आई विल कन्वर्ट इनटू प्योर वाटर. That is possible scientifically, no doubt about that. लेकिन अगर आप किसी को दिखाएं कि ये पानी था उससे मैंने ये किया है, वो अपने दरबार में बैठा हुआ था और उस बादशाह ने एक आदमी आया बड़ा गरीब सा, उसके हाथ में एक बोतल थी. उसने कहा मैं बादशाह सलामत के लिए एक तोहफा लाया हूं. तो लोगों ने कहा कि भाई कौन सा तोहफा लाया? उसने कहा ये पानी लाया. उसने बादशाह ने कहा भाई आने दो, बुला लिया पास. उसने वो बोतल ली. उसने कहा बादशाह साहब सलामत, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बेहतरीन इतना शानदार पानी कभी नहीं पिया, क्योंकि मैं जिस इलाके में गया तो मैं 3 दिन का प्यासा था. तो उसने कहा कि तूने पानी कहाँ से लिया? उसने कहा मैं गया था, मेरे पास पानी नहीं था, मैं बहुत परेशान था, फिर मुझे एक जगह पानी नजर आया तो मैंने पानी पिया. वो इतना शानदार पानी था. मैंने कहा मैं बादशाह सलामत के पास भी ले जाऊँ. बादशाह ने उसे बोतल दी, उसने बोतल खोली तो उसमें से बू आ रही थी. बादशाह ने बहर एक घूट लिया मुंह में और उसने कहा कि मैं आराम से पी और उसका शुक्रिया अदा किया. जब चला गया उसने अपने तमाम दरबारियों से कहा कि देखो ये वक्त इसलिए आया था कि इसके पास 3 दिन से पीने का पानी नहीं था, आज उसको ये बदबूदार पानी कितना लजीज लग रहा है. उसको आप सुप्रीम कोर्ट से रिलेट ना करें, ये एक इत्तेफाकी बात कर रहा था. आखिर लिखा होता है ना राइटर लिखता है. डिस्क्लेमर है. नहीं नहीं, असल में सुप्रीम कोर्ट का मकसद यही है कि हमारे ऊपर वो वक्त ना आ जाए. ये तीनों जजेस बैठे ना, इनका मकसद बिल्कुल ये नहीं है. 50 दफा अदालत को ये कह चुके हैं हमें हमारा मकसद इंडस्ट्री को बंद करना नहीं है, और हमारा मकसद जो प्राइम हमारा ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है पानी की कंजर्वेशन, पानी को महफूज करना. हमारा दूसरा जो वो है ऑब्जेक्टिव वो है कि हम आपसे पैसे पानी के लें, क्योंकि जब पैसे लेंगे तो कदर होगी पानी की. शुगर इंडस्ट्री 50 पैसे देती है
1000 गैलन पानी इस्तेमाल करती है और ओपन स्प्रे पॉन्ड में करती है जहाँ 30-40% वेस्टेज होती है, विंटेज लॉसेज होती है, क्योंकि उन्हें 50 पैसे में 1000 गैलन मिल रहा है और उसकी भी कोई मेजरमेंट नहीं थी। 5000 गैलन लेते हैं, बताते एक्सचेंज आता है आके बताया था कि आपने 10000 को पानी दिया था, 10000 के बजाय हम आपसे 2000 गैलन के पानी ले रहे हैं, 8000 हम आपको छोड़ रहे हैं, इतने पैसे आप हमें दे दें, राइट। तो बात यह है कि जब तक आपके पास पैसा किसी चीज का आप नहीं लेंगे, पेट्रोल घर के बच्चों को फ्री कर दें, सारा दिन गाड़ी घुमाएंगे, उन्हें बता दें कि भाई सारे दिन के लिए आपको इतना पेट्रोल मिलेगा, खुद आपकी कंपनी आपको ऑथराइज कर दे, अनलिमिटेड कर दे, आप कितना चलाते घूमेंगे, गवर्नमेंट क्यों रिस्ट्रिक्ट करती है, आपको 200 लीटर मिलेगा पूरे महीने के लिए। तो ये बात है, आपने इसको यहाँ एक वाल लगा हुआ है और एक वाल ये यहाँ लगा हुआ है और एक वाल ये लगा हुआ है, आपने जब इसको प्रोसेस में लेना है तो इसको यहाँ से पानी देते हैं, ये सॉफ्टवेयर से क्रॉस होता है और ये आउट हो गया, आपने प्रोसेस में ले लिया, ठीक है ना। और इसके अंदर ये जो है ना, ये आपका मीडिया है, ये आ गया सोडियम ज्यूराइट, ठीक है ना, सोडियम ज्यूराइट रेजिन आ गया इसके अंदर। ये सोडियम ज्यूराइट रेजिन जो है ना, ये सारे इसके ऊपर सोडियम अटैच होता है ना, सोडियम अटैच होता है ना ये, फिर एक वक्त होता है कि ये कैल्शियम को रोकता रहता है, सोडियम आपको देता रहता है, फिर ये एग्जॉस्ट हो जाता है। कितना टाइम में एग्जॉस्ट होता है आपका सॉफ्टवेयर? सर इसके 180 क्यूबिक मीटर पे साइक्लिक आउटपुट है। 180 क्यूबिक मीटर प्रोड्यूस करने के बाद ये कितनी हार्डनेस हो जाती है इसकी? सर इसकी हार्डनेस आती है 1 डिग्री। तो आप इसको हम इसको ना रीग्रेड रीग्रेड कितने कैपेसिटी के बॉयलर है? जी सर 3 बॉयलर है। कितने 200 टन के और एक बार करा है सर, तभी वाला भी 1 दिन में बार अच्छा 16 बार और उसमें कैपेसिटी कितनी होती है? 1 दिन में सर उसकी कैपेसिटी जो बॉयलर भी होती है ना सर, वो 7000 से इसकी रेंज है। हां तो बात को माने यार सर, बॉयलर के इंटरनल क्या रहा 7000 बात को माने जो ब्रोडन लगता है इसका हम मीटर का 4000 के का मुझे मतलब अगर मैं ये कहूँ आपके ये फैक्ट्री मैनेजर है और इनकी जेब खाली है, इन्होंने अपने हाथ से उसके अंदर 200 रुपए डाले और इनसे मैं पूछूं कि यार आप की जेब में से पैसे निकालो और बताओ कितने हैं, तो ये कि 5000। तो ये इस बात आप इस बात को तस्लीम करेंगे? आप उसके अंदर देते हैं पानी लेस देन 1 टीडीएस का, उसका सॉरी हार्डनेस का, ठीक है ना, आप उसके अंदर जो वो डालते हैं सल्फाइड और क्या डालते हैं? सल्फाइड और फॉस्फेट। ट्राइस्टर फॉस्फेट डालते हैं, कितने बीपीएम मेंटेन करते हैं सर? वो करते हैं 20 टू 40 बीपीएम। 20 टू 40 बीपीएम क्या बनता है सर? जो सिर होते हैं ये फॉस्फेट क्यों डालते हैं भाई? सर जल्दी से बता सर, ये बेसिकली डिसॉल्व जितने हमारे हैं ना, ना सर बता नहीं चलेगा सर, सर जो है तो बता दो जितने हमारे मिनरल है ना, जितने हमारे मिनरल है ना उनको डिस्पोजल, उसको उनको ना डिसॉल्व डिसॉल्व करते हैं ताकि व्यू पे प्रेजेंटेट ना हो, जितने भी सॉल्ट्स है ना
बच्चे ये तो डालते ही आप उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए सर उनको प्रेसिपिटेट ट्यूब्स पे लगा के डिपॉजिट नहीं होते उसका जो ये डालती है बनता क्या सर मैं सुन रहा हूं नहीं नहीं ये अच्छा डालते इसलिए हां बेटा जब आप तक जब तक सर डालते इसलिए लड़ना चाहिए यार तुमसे आपको नहीं सर ओ बेटा मैं तो खुद कह रहा हूं इसे पर्सन देंगे डालते इसलिए अगर आप खुद की तरह बैठे रहेंगे ना तो मैं समझूंगा आपको किसी नहीं नहीं सर आप बिल्कुल मजाक कर रहे हैं हां सल्फाइड्स होते हैं हमारे क्या के डालते हैं वो बेसिकली हम क्लोजन ना ऑक्सीजन भी लेना डिसॉल्व कर ऑक्सीजन को वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन इसके व्यंजन क्या कहते हैं ऑक्सीजन व्यंजन ठीक है आगे चलिए उसका क्या फायदा होता है सर उसका फायदा ये होता है कि हमारे क्लोजन नहीं होता है क्या केमिस्ट्री पढ़ी कुछ कितनी एफएससी पढ़ी है तो ये कर्नल साहब भी मुझे ये बताएंगे क्लोजन के लिए आप और कर्नल साहब में क्या फर्क है तो फेरिक ऑक्साइड में बनते हैं भाई को दादा वाला सर आप बताएं जरा मेरे को ये सच्ची मतलब मुझे बड़ा मजा आ रहा है बेटा हमारा आपने रेस्ट करना है ना आप चले जाओ या तो हमारी तबीयत ठीक नहीं है सर ना हमारा रूम में रेस्ट करते हैं हमारा बेटा आप जाके रेस्ट करो ठीक है ना यस और अगर आपने भी जाना तो आप भी जाके रेस्ट करो मैं बैठा हूं आप बैठे मैं बैठा हूं बैठो नहीं जा बैठे जाओ रेस्ट करो क्यों खा लिया हमारे में आपको मालूम है ना आपको तकलीफ है जाए अगर आप अपना रेस्ट करेंगे तुम्हारी छुट्टी होगी हम दोनों आ रहे हैं चले चलो खैर असल में बीच बीच में हम चाय भी पियेंगे बीच बीच में हम जरा मजे की बातें भी करेंगे क्योंकि ये स्पेशल जो है ना जिस तरह से मुझे सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली ये इंस्ट्रक्शन आदमी जवाब भी वो फील्ड वाला सुनना चाहता है वो ये नहीं चाहता कि उसको जवाब आप कोई और दे नहीं 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 ये बुनियादी सवाल था बिल्कुल आप सोडियम सल्फाइड क्यों डालते हैं सोडियम सल्फाइड इसके ये कहलाता है ऑक्सीजन स्कैवेंजर ठीक है ना इसका काम क्या है पानी से ऑक्सीजन को रिमूव कर देना ये ऑक्सीजन पानी में होती है डिसॉल्व हालत में होती है ये इसके साथ रिएक्ट करता है और बनता क्या है सोडियम सल्फेट ये इनसॉल्युबल मटेरियल बन जाता है इसके ये काम है ठीक है अब ये एक प्रोसेस अलग है ये क्लोजन का प्रोसेस अलग है मैं बताता हूँ आपको ना लेकिन इसका मकसद इसकी जो वो इसका जो पर्पस है वो ये है कि सोडियम सल्फाइड कन्वर्टेड इन सोडियम सल्फेट अब इतनी बड़ी कंपनी है आपकी ठीक है ना आप अफोर्ड भी कर सकते हैं लेकिन अच्छा लेकिन जब आप सोडियम सल्फेट बनाते हैं तो ये नीचे सेटल हो जाता है ना आपके बॉडी के आप ऐसा कहने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते जो सैडल हम इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है N2 H4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे प्लस ऑक्सीजन ठीक है ना क्या बनेगा नाइट्रोजन गैस प्लस पानी ना टीडीएस बढ़ा ना कुछ हुआ क्वालिटी सेफ हो गया सर सर मोस्ट ऑफ द लॉस इन दिस में हाइड्रोजन और अमोनिया का यूज होता है अमोनिया का पर्पस दूसरा है वो पीएच पे डिपेंड करता है हां अमोनिया का पर्पस दूसरा है आप हां हां अमोनिया का पर्पस बता देता हूं आपको अमोनिया का पर्पस है पैसे लगेंगे सर हां ऐसे कोई अच्छा अच्छा अमोनिया का आप याद रखिएगा ठीक है ना आपने पूछना है मैंने आपको इंशाल्लाह हम अगर बात कर रहे हैं फॉस्फेट की बात करते हैं आप इस्तेमाल करते हैं ट्राई सोडियम फॉस्फेट राइट ट्राइसोडियम फॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं ना क्यों करते हैं कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर था ना सोडियम ज़ियोनाइट वो आप मेरे सामने चेक करेंगे मैं आपको अभी गारंटी कर रहा हूँ कि उसमें लेस देन 1 नहीं मैं मुझसे आप लिखवा ले कर्नल साहब मेरी बात पर साइन कर देंगे हां लेकिन हार्डनेस मैं अपने हाथ से चेक करूंगा आपके केमिकल से चेक करूंगा केमिकल स्टैंडर्डाइज करूंगा फिर चेक करूंगा बता नहीं जा रहा है ना अच्छा अब आप करते हैं ट्राई सोडियम फॉस्फेट ये क्यों इस्तेमाल करते हैं आपका सॉफ्टवेयर है मैं आपकी बात तस्दीक कर दूं कि वन हार्ट डिस्क है उसके अंदर हार्ट डिस्क क्या चीज होती है सम ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ठीक
ठीक है ना, फर्ज कर ले कैल्शियम क्लोराइड जो है वो आपके पास पानी में आ गया सॉफ्ट वाटर में 1 mg/L, राइट आ गया। अब आप जो ये डालते हैं ना, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि ये सोडियम फास्फेट इसके साथ रिएक्ट करता है, जब सॉफ्टनर से पानी आया हार्डनेस इसमें हार्डनेस है, ये कैल्शियम रिएक्ट करती है इस फास्फेट के साथ, बनता है कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड ये इनसॉल्युबल हुआ है, होता है ये नीचे बैठता है हाइड्रम में या बॉयलर बॉयलर ड्रम में, जिसको आप पीरियडिक ब्लो डाउन करके बाहर निकालते हैं। इसका मकसद यही होता है कि जो अच्छा दो तरह के फास्फेट होते हैं, एक होता है ट्राइसोडियम फास्फेट, एक होता है हेक्सावेलेंट फास्फेट, जिसको आप कहते हैं हेक्सा बीटा फास्फेट। दोनों में फर्क ये है कि ये ट्राइसोडियम फास्फेट जो है ये अल्कलाइन होता है और वो जो है एसिडिक होता है, वो हेक्सामेटा फास्फेट जो है वो एसिडिक होता है। बॉयलर में इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि अगर आप एसिडिक इस्तेमाल करेंगे तो उसकी पीएच लो हो जाएगी बॉयलर की, ठीक है ना, और बॉयलर की पीएच लो होगी तो क्या होता है, कैसे चाय का सारी खाने से अच्छा अब हमारे मिल्क पैक की बता।